जो विद्यादि सागर सुधीर, जो विद्यादि सागर सुधीर, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंज स्वामी के, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। आज हम सब लोग इस बात के लिए इकट्ठे बैठे हैं कि उस दिन की याद करें जब भगवान महावीर स्वामी की पहली बार दिव्य ध्वनि गिरी होगी और गौतम स्वामी ने एक अंतर्मूर्त के अंदर, अंतर्मूर्त माने 48 मिनट, उतने के अंदर पूरे द्वादशांग की रचना करके हम सब जीवों के कल्याण का उपक्रम किया। आज इसीलिए वीर शासन जयंती कहलाती है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना जब से शुरू हुई, सात तत्वों का प्ररूपण जब से शुरू, उनका शासन शुरू, हम अभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में बैठे हुए हैं। जब तक अगले 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर नहीं होंगे, तब तक इस पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर स्वामी का ही शासन काल चलेगा। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसा दिन है जिससे कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में हम सबके कल्याण के लिए उपदेश प्रारंभ हुआ था। हम समझें कि हमारे लिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाए। हम सबके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बेहतर ढंग से जिएं। रोज रोज हम ये विचार करें कि कल जिस तरह मैंने जिया था, क्या मैं आज उससे भी बेहतर ढंग से जी सकता हूं। जब जब भी मैं ये कहूं कि बेहतर ढंग से जीना है या अच्छे से जीना है, तो आप बहुत स्पष्ट मान के चलिएगा कि जितनी कषायें जिसकी बंद हो जावे उसका जीवन उतना अच्छा है, उसका जीवन उतना बेहतर है। तो हमको अपनी कषायों को, अपने मिसकॉन्सेप्ट को, अपने विजन को, अपने आचरण को, इन सब को धीरे धीरे करके और निर्मल बनाना है। हमारी अंतिम निर्मलता हमारा अपना परमात्म स्वरूप है, हमें वहां तक पहुंचना है और ज्ञान यही काम करता है। वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। दो अलग अलग ढंग से लोगों ने लिखा, नॉलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान वो है जो जीवन को परिवर्तित कर दे और जो हमारे भीतर गुणवत्ता है वही वास्तव में ज्ञान है। ज्ञानी हमारे सद्गुण हैं। अब देखिएगा इन दोनों चीजों को, आज के समय में ये बहुत बौद्धिक युग है, ज्ञान का युग तो नहीं कहूंगा, बौद्धिक युग है। ज्ञान तो वो कहलाता है जो कि नॉलेज में, ज्ञान तो वो कहलाता है जो कि आचरण में बदल जाता है या कि आचरण में से प्रकट होता है। वास्तव में ज्ञान वही है, या तो कन्वर्ट हो जाए, वो आचरण बन जाए।
हमारा विचार हमारा जीवन बन जाए। एक तो वो है श्रेष्ठ विचार या श्रेष्ठ ज्ञान, और जो श्रेष्ठ जीवन जी रहा उसके जीवन में जो विचार आते हैं, उसके जीवन में जो से हम जानकारी पाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, वो सब वास्तव में ज्ञान कहलाता है। लेकिन आज मैंने कहा कि बहुत बौद्धिक युग है, वो ज्ञान जो कि हमें विषय कषाय में ले जाता है, हमारा कल्याण नहीं करता बल्कि उल्टा हमें और अधिक पतन की तरफ ले जाता है। और मजा यह है आज कि ऐसे ज्ञान से समन्वित लोग अपने को ज्ञानी मान के बैठ जाते हैं। आज सच्चाई के बारे में जितना भारत के लोग जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, लेकिन जितना भारत के लोग झूठ में जीते हैं उतना कोई नहीं जीता। सच के बारे में जान लेना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा हो जाना बहुत मुश्किल है। संगीत के बारे में जानकारी होना बहुत अच्छी बहुत आसान है, लेकिन संगीत कंठ में प्रकट हो जाना बहुत कठिन है। पाक शास्त्र पे PhD कर लेना आसान है, लेकिन रोटी बनाना कैसे पड़ती है ये जानना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तैराकी के बारे में पढ़ना बहुत आसान है कैसे तैरा जाता, लेकिन पानी में कूद करके तैरना बहुत कठिन है। आज जो है ये बौद्धिक ज्ञान हमारे मस्तिष्क को खुराक तो देता है, लेकिन हमारे जीवन को कोई शांति और सुख नहीं देता। तो इसलिए हम जिस ज्ञान को आज हमने प्राप्त किया है, वीर भगवान से हमने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, वो वास्तव में आत्मज्ञान है। वो ऐसा ज्ञान है जैसे कि अपन को मालूम पड़ जाए कि ये विष है तो फौरन हम छोड़ देते हैं, फिर हम ज्यादा सोचते नहीं उसके बारे में। जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आग है, हम फौरन उससे दूर हट जाते हैं। देखिएगा, जानने के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन ना आए तो वो जानना क्या मतलब का। हमने जाना कि ये विष है और हम छोड़ नहीं पा रहे, हम सोच रहे हैं ये कि छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। घर में आग लगी और कोई कह रहा है कि आपके घर में लगी आग, तो हम कहते हैं थैंक्स, आपने हमें बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोचेंगे कि घर छोड़ के बाहर निकलना है कि नहीं निकलना। अरे घर में आग लगी हुई है फिर भी हम सोचेंगे, ऐसा नॉलेज है आज अपने पास। ये कहलाता है बौद्धिक ज्ञान, जो कि हमारे जीवन को जरा भी परिवर्तित नहीं करता है, और हमें ये बल्कि हमें ये भरोसा दिलाए रखता है कि हम ज्ञानी हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि जब अज्ञानी ज्ञान की चार बातें सीख लेता है और अपने ज्ञानी होने का धोखा पाल लेता है। अज्ञानी है बहुत अच्छा है, कल्याण हो जाएगा, लेकिन ज्ञान होने का भ्रम हो जाए तो फिर अज्ञान को हटाने का कोई उपाय नहीं। अज्ञानी हम भीतर से बने रहते हैं और ऊपर से वस्त्रों की तरह जैसे ज्ञान को हम ओढ़ लेते हैं और अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। नहीं भैया, ये सूडो नॉलेज कहलाता है, ये फॉल्स नॉलेज कहलाता है, जो कि ज्ञान नहीं होते हुए ज्ञान होने का भ्रम दे देता है। और ऐसा ज्ञान आज अपन को बहुत है। हमको वो ज्ञान प्राप्त करना है जो हमारे जीवन को सुंदर बना दे, हमारे जीवन को अच्छा बना दे, हमारे विषय कषायों से हमें मुक्त कर दे, हमें निर्मल बना। वास्तव में आत्मज्ञान वही है जो हमारे आचरण को पवित्र कर दे। हमें ऐसे ज्ञान को ही आज समझना चाहिए। मैं आपसे जो कह रहा हूं कि बौद्धिक ज्ञान, एक समय हुआ करता था जब IQ चलता था, इंटेलिजेंसी का माप होता था, IQ कहलाता था कि आपका इंटेलिजेंस कितना है। उसके बाद EQ शुरू हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब IQ के दिन लग गए, साइंटिस्ट कह रहे हैं, लेकिन आज भी लोग बौद्धिक आदमी को ही महत्व देते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि जो जितना भावनात्मक रूप से रिच है वही ठीक है। और अब एक नया शुरू हुआ है SQ, स्पेचुअल। अब देखिएगा, सिर्फ बौद्धिक होना नहीं, भावनात्मक होना, और इतना ही नहीं, हमें बहुत अधिक चेतनात्मक भी होना चाहिए। हमें
बौद्धिक और भावनात्मक होने के साथ साथ आत्मिक भी होना चाहिए, तब कहलाएगा कि हमारा ज्ञान अब परफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुद्धि को विकसित नहीं होना चाहिए, बौद्धिक नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बुद्धि के साथ भावना का और आत्मा का समन्वय होना चाहिए। हमारी बुद्धि हमें नष्ट करके रख देगी, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एनालिटिकल होती है, वो सिर्फ विभाजन करके जानती, सिंथेसिस करके नहीं जानती, जोड़ के नहीं जानती, एनालाइज करके जानती। जैसे आपने डिसेक्शन किया, डिसेक्शन में क्या करते हैं, एक डेड बॉडी को लेकर के उसमें ये हार्ट है और ये स्प्लीन है और ये लीवर है और ये इस तरह फंक्शन करता है, ये गॉल ब्लैडर है, ये किडनी है, ये हम डिसेक्ट करते हैं, ये बुद्धि का काम है। लेकिन ऐसे में तो जीवन नष्ट हो जाता अगर हम हर चीज को, अगर हम फूल को और डिसेक्ट करना शुरू करें तो ना उसमें सुगंध आएगी ना उसमें कोई सौंदर्य मालूम पड़ेगा। हम एक 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 पत्ती फूल की अलग कर दें, देखिए ये ऐसे बनती है, ये ऐसे बनती है, ये ऐसे बनती है, इसमें इतना फास्फोरस है, इसमें इतना आयरन है, इसमें इतना ये कंटेंट्स है। अगर हम ऐसा एनालाइज कर देंगे हर एक चीज को, अपने ही आप को अगर एनालाइज कर दें, तुम्हारे भीतर है क्या, हमारे भीतर थोड़े से मिनरल्स हैं, थोड़े से विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, छह चीजों से मिलकर बना है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, यही तो हमारा पूरा शरीर का ढांचा है। क्या इतना ही है? नहीं, इसके बाद भी कुछ है। इतना अकेले जान लेने से पूरा जीवन नहीं जाना जा सकता, मैं कहना ये चाह रहा हूं। एक व्यक्ति भेड़ाघाट देखने गया और वो टैक्सी में बैठ के गया अकेले, रात 10-11 बजे की बात है, टैक्सी वाले ने उसको आधे किलोमीटर दूर छोड़ दिया और खुद बैठा है, जाओ देखा भेड़ाघाट। तो उसने टैक्सी वाले से कहा कि अब जब मैंने तुम्हारी पूरी टैक्सी ही की है और पैसा मुझे तुम्हें पूरा देना है और तुम यहां बेकार टैक्सी में बैठे रहोगे, आओ मेरे साथ, मैं अकेला हूं, अपन दोनों देखेंगे। अरे गल्ला साहब, क्या देखना होगा, आप ही जाओ। अब बताइए आप क्यों, कुछ नहीं देखना। अरे कल पता नहीं लोग क्यों भागे चले आते हैं, कुछ पत्थर पड़ेंगे ऊपर से पानी गिरता, उसी को देखने। अब एनालाइज करके देख लो आप कि कुछ पत्थर पड़े ऊपर से पानी गिर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? इसके अलावा वहां बहुत कुछ है, लेकिन उसको देखने के लिए भावना की आंख चाहिए। बुद्धि के साथ साथ अगर हमारे पास भावनाएं नहीं है तो कोई बाहर सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई भी भलाई नहीं दिखाई पड़ेगी बाहर, हम सब चीज को एनालाइसिस करके और एक तरफ डाल देंगे। तो बुद्धि के साथ भावनाएं, और कई बार भावनाएं भी बुरी हो जाती हैं जो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होता है, जो व्यक्ति आत्मज्ञान से शून्य होता है, उसकी भावनाएं भी उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाती, वे भी उसे पतन की तरफ ले जा सकती हैं। इसलिए तीसरी चीज भी आज डेवलप हो रही है कि भाई आपको उतना आत्मज्ञान से समन्वित भी होना चाहिए। बुद्धि भी आपकी अच्छी है, आपकी भावनाएं भी अच्छी हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं कि नहीं है, आप अपने चेतना के विकास के लिए चिंतित हैं या नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं करते जिससे कि चेतना का पतन होता, ऐसा कुछ तो नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं जिससे कि हमारी चेतना मलिन होती है, तब कहलाएगा कि हाँ वास्तव में हमारा ज्ञान सही है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने हमें ऐसे ही ज्ञान को देने की कोशिश की है। जैन दर्शन में ज्ञान की परिभाषाएं बनाई हैं, जैन रागा विरज्येज, जैन मित्ती पभासेज, जैन तत्त्वम विभुज्येज, तम नानम जिन सास। जैनेन्द्र भगवान के शासन में तो वही ज्ञान है जिससे हमारा राग द्वेष घटे। जैन रागा विरज्येज, राग द्वेष से हम मुक्त हो जाए, राग द्वेष से विरक्त हो जाए, वास्तव में वही ज्ञान है। हम यहां से कुछ बातें सुन के बाहर जाते हैं तो हमें जरूर अपने भीतर देखना चाहिए कि थोड़ा हमारा अज्ञान हटा है कि नहीं हटा। अज्ञान हटना चाहिए, जैसे कि रोशनी होने पर अंधेरा हट जाता है, ऐसे ही हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अंधेरा अज्ञान का हटा कि नहीं हटा, और हमारे अंदर राग द्वेष में कमी आई कि नहीं, हमारे परिणामों में निर्मलता आने का मायना है हमारा राग द्वेष घट गया है, हमारी कषायें कम हो गई हैं। ये बात हमें जरूर इस कसौटी पर हमें कसना चाहिए। जो लोग भी ज्ञान हासिल करते हैं, अपन बैठ के आगे आने वाले दिनों में बहुत जानकारी हासिल करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे,
लेकिन उनको सिर्फ जान करके बुद्धि में रख लेना ही पर्याप्त नहीं है, देखना उनको अपने जीवन में घटित होते कि मेरे जीवन में इनसे क्या परिवर्तन आया है। तो जिससे हमारा राग द्वेष कम हो वही ज्ञान श्रेष्ठ है, और जिससे प्राणी मात्र के प्रति मैत्री हो, जेन मित्ति पवासेज, मेरे भीतर मैत्री का भाव अपने आप आने लगा, क्योंकि मैं जान गया हूं इस संसार की वास्तविकता को। जान लेने के बाद यहां किसी से घृणा करने का मन ही नहीं होगा, सबके प्रति प्रेम रहेगा, क्योंकि सब दुखी है यहां पर, कोई कमती दुखी है कोई ज्यादा दुखी है। बहुत कठिन है लेकिन इस चीज को जीवन में लाने के लिए, कहना बहुत आसान है पर अभ्यास बहुत करना पड़ेगा कि मेरे भीतर ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे मेरे भीतर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री होती जाए। एक चींटी पर भी पैर रखने से पहले मैं बहुत बहुत करुणा से और दया से भर जाऊं। अभी तो ऐसा है कि चींटी पर पैर रखने से तो हम बचते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को ऐसी बात कह देते हैं जो कि उनको कई जिंदगी जिंदगी याद रहेगी। मर्म भेदी, हम संगी पंचेंद्री की गर्दन पकड़ने तैयार हो जाते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और चीटी बजाने की चेष्टा करते हैं, ऐसा तो हमारा ज्ञान है। पानी तो छान के पिएंगे लेकिन ग्राहक आया है तो उसको पूरा निचोड़ लेंगे, ये क्या चीज है? ये इतना कंट्राडिक्शन, इसका मायने है कि हमारा नॉलेज परफेक्ट नहीं है, सुडो नॉलेज, फॉल्स नॉलेज है, आ गया है बाहर, शब्दों में आ गया। अच्छा बड़ा मजा है, ऐसा जो झूठा ज्ञान आ जाता है ना, जीवन झूठा है पूरा का पूरा लेकिन ज्ञान अकेला है सच्चा, और जीवन पूरा का पूरा झूठा है, तो फिर कंसोलेशन बड़ी बड़े बड़ी सांत्वना मिलती है कि गद्दी पर बैठ करके बढ़िया बढ़िया से चर्चा कर लेते हैं अपन ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची, और फिर बाद में नीचे गद्दी से उतरे तो ज्यों कहते हो, जैसे वो नहीं कहते कि पंडित जी ने जो है बताया कि भटा ने खाओ चाहिए, आलू ने खाओ चाहिए, और घर आए सुनने पे ही बनवाए, सुलड़का ने कही कि आप तो कहते कि आलू वो भटा ने खाओ, क्या लगे तो शास्त्र की आलू भटा है जी, तो अपने घर कीजिए तो खा सकते, अब बताओ आप तो ये शास्त्र के कछु आलू भटा अलग होता है, घर के कछु अलग होता है, तो ये तो बेईमानी कहलाएगी नहीं कहलाएगी। तो अपने को ये चीज कि हम जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं वो हमें सिर्फ कंसोलेशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ सांत्वना के लिए नहीं है कि हमने कर तो ली बातें, हमने पूजा तो कर ली आज, और हमने महाराज को आहार भी देवे गए थे, और हमने सांस भी बांचो, तो अब और क्या चाहत हमसे। तू कहती भैया जो तो सब करो आपने, लेकिन इसके बाद आप जब दुकान पे बैठे हैं और जब बाहर बाजार में खड़े हैं तब भी उस ज्ञान का थोड़ा सा लाभ तो आपको मिलना चाहिए, आप बिल्कुल भूल गए, बेईमानी पे उतर आया। आप ईमानदारी का शास्त्र पढ़ते हैं और बेईमानी करते हैं तो आपका ईमानदारी का शास्त्र पढ़ना आपके जीवन को कोई ज्यादा लाभप्रद नहीं है। हमें ऐसा विचार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ईमानदारी का शास्त्र पढ़ना छोड़ दें, जिनवाणी पढ़ना छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूं कि जिनवाणी पढ़ करके मेरे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आया तो फिर मुझे विचार करना चाहिए। अपन बात कर रहे थे, मैं दूसरी तरफ चले जाता हूं, मुझे बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी बातें एक साथ मेरे पास आती हैं, मुझे उसमें से हटा करके ना रास्ता बनाना पड़ता है कि ये बताना है, बाकी रख लेना नहीं तो कल क्या बताएंगे, फिर सब एक ही दिन में थोड़ी बताना है। घड़ी फिर नहीं रखी आपने, वो मैं नहीं देख पाता, मैं इधर कंसंट्रेशन इधर रहता हूं, उधर उधर जो है वो तो ध्यान नहीं जाएगा। हम आपसे बात कर रहे थे, आप इसको प्रवचन बिल्कुल मत मानिए, ना मैं आपके यहां प्रवचन करने आया हूं, मैं तो आपसे कुछ बात करूंगा बस, जैसे अपन दो लोग बैठ करके और बात करते हैं वैसे, और देखेंगे कि अपने को अपने जीवन में क्या संभव है, क्या प्रैक्टिकेबल है। सुनने में जो चीजें अच्छी लगती हैं जरूरी नहीं है कि वे प्रैक्टिकेबल हों, इसलिए हम वही चीजें विचार करेंगे जो हम प्रयोग में ला सकते हैं, अपने जीवन में उनको घटित करके देख सकते हैं। तो हमें ऐसा ज्ञान हासिल करना चाहिए जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, जिससे कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव आए।
हमारा राग द्वेष घटे, और इतना ही नहीं जेन तत्त्वम विभुज्य, जिससे कि हमें कल्याणकारी जो प्रयोजन भूत सात तत्व हैं और उसमें से भी मेरे लिए उपादेय मेरा अपना आत्म तत्व है उसका बोध जागृत, मुझे अपने आत्मा की वो जो निर्मल अवस्था है उसका ठीक ठीक इमेजिनेशन हो, उसका ठीक ठीक हमारे भीतर क्लैरिफिकेशन हो, हम जाने कि हमारा स्वभाव कैसा है और अपने उस स्वभाव की तरफ निरंतर बढ़े, तो ही हमारा वो ज्ञान उपयोगी है। वैसे तो लिखा है कि जैसे जैसे तत्व का ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी विषय आसक्ति कम होती जाती है, और जैसे जैसे विषय आसक्ति कम होती जाती वैसे वैसे तत्व का बोध बढ़ता चला जाता। लेकिन आज देखने में आता है कि तत्व का बोध तो है लेकिन विषय आसक्ति कम नहीं होती है, विषय आसक्ति बढ़ती ही चली जाती है। इस उपदेश में लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने इस बात को, यथा यथा ही संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे तत्व का बोध होता है वैसे वैसे विषया शक्ति घटती है, और जैसे जैसे विषया शक्ति घटती है वैसे वैसे तत्व का बोध होता चला जाता है। चारित्रहीन का ज्ञान अंधे के हाथ में लालटेन की तरह है, ये ध्यान रखें। और आज यही हुआ है, आज जो ज्ञान की बात चारित्रहीन के हाथ में है वो न उसका कल्याण कर पाती है न देखने वाले सुनने वाले का कल्याण कर पाती है। ज्ञान वही है जो वीतरागता की तरफ ले जाता है, या कि वीतराग होकर के जो हासिल किया जाता है, दोनों ही चीजें, या तो जिसके हासिल करने पर वीतरागता आती है या वीतरागता आने पर जिसे हासिल किया जाता है, या जो अपने भीतर से प्रकट होता है। हासिल क्या करना, कहीं दूसरे से लेने थोड़ी जाता। मैं आपको एक घटना बताऊं कि कैसे जो है अंधे के हाथ में जैसे लालटेन दे दी जाए, बताइए उसके किस काम की, उसको उस रोशनी का कोई उपयोग है क्या, है तो उसके हाथ में जलती लालटेन। ऐसे जो व्यक्ति चारित्रहीन है, व्यसनों से युक्त है, वो व्यक्ति अगर ज्ञान हासिल भी कर ले, तत्व का ज्ञान भी हासिल कर ले, तो भी उसके जीवन को वो परिवर्तित नहीं करेगा, ना ही उसके द्वारा किसी जीव का कल्याण हो सके। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। देयर आर फोर शॉप्स ऑफ द मैन, चार तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कुछ नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि वे नहीं जानते, वे लोग जो वाकई कुछ नहीं जानते लेकिन ये भी नहीं जानते कि वे कुछ नहीं जानते, तो कहते हैं ऐसे लोगों को तो दूरे रहो इनसे। दूसरे लोग वे हैं जो जानते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वे जानते हैं, तो कहते हैं इनको पढ़ाओ, इनको जगाओ, क्योंकि ये जानते हैं पर खुद नहीं जानते कि वे जानते हैं। तीसरे तरह के लोग बहुत खतरनाक हैं, जो नहीं जानते पर ये जानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, उनको दूर से ही प्रणाम करो, जो कुछ नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। और चौथे प्रकार के लोग कहीं मिल जाएं, आज के समय में तो मिलते नहीं हैं, जो सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वे सब जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे तो आज संभव ही नहीं। तीसरे तरह के लोगों से अपना मिलना बहुत होता है, जो कुछ नहीं जानते पर इस भ्रम में जीते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। हम उस लाइन में खड़े ना हो, हमें आपसे ये कहना है, हम कुछ नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, अपनी अज्ञानता को प्रकट करने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मैं कटनी में वाचना के लिए गया था, यह सन 86 की बात, तो हम देखते थे, हम सामायिक करते रहते थे, और 12:30 के लगभग एक अम्मा जी आके बैठ जाती थी वहीं पास में मंदिर में, बैठते थे सामायिक करने, तो पास में अलमारी लगी हुई थी, उनमें से जो है वो सांस निकालती हूँ पढ़ने बैठ जाती। मैं रोज देखता हूं उनको, जब मैं 1:30 बजे उठता सामायिक से, तो आप कैसे उनसे पूछें। फिर भी एक दिन हिम्मत करके
हमने कहा अम्मा जी क्या पढ़ती हैं आप, जब वो नमोस्तु करने आई नहीं पूरा करके, महाराज धवला जी पढ़ रहे। अरे धवला पढ़ रहे हैं आप, षटखंड आगम पर जो टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने, 16 वॉल्यूम है उसके, और फिर उसपे भी 16 वॉल्यूम जय धवला के, उसपे 8 वॉल्यूम जो है महाबंद के, ऐसी 40 किताबें वो पढ़ रहे हैं आप, आपको समझ में आता है? कहते महाराज समझ में तो कुछ नहीं। अरे तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं आप? बोले महाराज इसलिए पढ़ रहे हैं कि आचार्य भगवंतों की वाणी है, उनने करुणा करके हमारे उपकार के लिए लिखी है, भले ही समझ में नहीं आती श्रद्धा पूर्वक हम तो बांच लेते हैं, हमारी आंखें सफल हो गई, मुख से उच्चारण कर लिया सो मुख पवित्र हो गया, कान से सुन लिया अब बुद्धि में जब आने हुई है सो आए। आज जो है अपन अर्थ के पीछे पड़े हुए, कोई भक्तांबर पढ़ता है तो फौरन कहते हैं कि ऐसे पढ़ भी से का फायदा, अर्थ आउट है, ऐसा पूछते हैं। नहीं भैया, अर्थ आउट हो चाहे नहीं आउट हो, उनको भाव मालूम है सो काम होगा, कि ये मैं भगवान आदिनाथ की स्तुति करी है, कैसी करी सो हम इतने बुद्धिमान है नहीं है कि कैसी करी, हम का समझे संस्कृत में लिखी तो भी कल्याण हो जाएगा, और जो अर्थ जान रहा है उसका फिर भी मन विषय कषाय में झंपा पात कर रहा है तो ठीक है, बाजू में बैठा हुआ है दूसरे लोग भक्तांबर पढ़ रहे सब साथ में, और जिसको अर्थ मालूम वो क्या सोचता है, देखा मुझे इन सब का अर्थ मालूम, ये सब बुद्धू, इनको अर्थ वर्थ कुछ नहीं मालूम। सो आपका मालूम होना भी आपके लिए व्यर्थ हो, हमें उस ज्ञान अर्थ मालूम होने से अहंकार आ गया तो वो हमारा ज्ञान व्यर्थ हो। भैया ज्ञान तो विनय की प्राप्ति के लिए, अगर हमारे जीवन में जो हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं वो अहंकार बढ़ा देवे और हमारी कषायों को पोषण करे पुष्ट करे तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। हमारा ज्ञान वही है जिससे कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में मैत्री राग द्वेष का अभाव हो और वस्तु तत्व जो वस्तु स्वरूप है वो हमारे लिए परिभाषित हो। एक और गाथा आचार्यों ने लिखी है वो कह करके एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहूं कि कैसे हमारे जीवन में विनय आनी चाहिए ज्ञान को लेकर के, और बस आज अपन इतना ही करेंगे, फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे। अरहंते सुवक्ति सम्मत्तम दंशनेन सुविशुद्धम सीलो विषय विरागो नानम पुनकेरी संभणिदम, ऐसा लिखा हो ज्ञान के बारे में कह रहे हैं कि अरहंते सुवक्ति सम्मत्तम, अरंत भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है वो तो है हमारा सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान क्या है, विषयों से विरक्त हो जाना। सीलम विषय विरागो नानम पुनकेरी संभनिदम, इसके अलावा और ज्ञान क्या चीज है, और कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। अरंत भगवान के प्रति शुभ भक्ति हो और उससे हमारा मन विशुद्ध हो और हमारा शील हमारा चारित्र धीरे धीरे और निर्मल होता जाए, यही हमारे यहां पर ज्ञान कहा गया है। लेकिन अकेली बुद्धि को बढ़ाने वाले ज्ञान को हासिल हम करते हैं और अपने को बुद्धिमान मान लेते हैं, और उपदेश कुशल बहुतेरे, हम दूसरे को भी वो चीज समझाने लगते हैं। नहीं भैया, जब जब भी मन हो 5 प्रकार से स्वाध्याय करने का, जब भी मन हो वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश, तो क्या करना, अपने जीवन को ही वाचना। आज सुबह से शाम तक कितना गुस्सा कर लिया मैंने, बेवजह कर लिया, आज कितना अहंकार कर लिया, आज तो बाजार से निकला था पॉकेट में एक ढेला नहीं था लेकिन कितना लोक जागृत हुआ, ये ले लूं ये ले लूं ये ले लूं, अरे क्या आवश्यकता थी जब लेने नहीं गया था, तो इतना लोक किस काम का मेरा, ऐसा विचार आना चाहिए और अपने से पूछना चाहिए कि हो काहे ऐसे तुम, तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा नहीं है। ऐसा प्रश्नना पूछना और पूछ करके और बार बार उस बात का विचार करना कि सचमुच जब मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है तो मैं स्वभाव से विपरीत क्यों जाता हूं, और इस बात को हमेशा याद रखना, और जब जब भी समझाने का मन हो तो अपने ही कान पकड़ के अपने आप को धर्मोपदेश देना कि सब तो समझते हो लेकिन चलते चाल टेढ़ी,
दूसरे को नहीं समझाना, अपने को धर्मोपदेश देना, अपने जीवन को पढ़ना, अपने से ही प्रश्न पूछना, अपने ही आत्मा के बारे में अनुप्रेक्षा चिंतन करना और जो जाना है उसको बार बार रिवाइज करना। जब जब भी कांच का सामान खरीद के लाओ तब तब ध्यान आ जाए कि ड्यूरेबल नहीं है, थोड़े दिन चलेगा, जिस दिन भी हाथ से खिसक करके नीचे गिरेगा टूट जाएगा, रोना मत, टूटने पर संक्लेश मत करना, खरीद के तो ला रहे हो। क्या इस तरह हम अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं कर सकते, ज्ञान हासिल नहीं कर सकते? करना चाहिए, हमें ऐसा ही ज्ञान हासिल करना चाहिए जिससे कि हमारा मन और जीवन दोनों ही पवित्र हों। जिनका मन और जीवन पवित्र हो जाता है उनके जीवन में कैसे घटित होता है वो आपको एक घटना बताए देता हूं। एक निमाई पंडित थे और एक रघुनाथ पंडित थे, दोनों जने एक साथ पढ़ते थे, एक ही कक्षा में पढ़े हो, और फिर दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अपने तरह से पंडित बन गए। रघुनाथ पंडित को तो आश्रय मिल गया राजा का, लेकिन निमाई पंडित जो है वो गरीब थे, अपनी रोजी रोटी कमाने लायक उनके पास जो भी था हो जाता था। एक उन्होंने न्याय का शास्त्र लिखा और बड़ा मन था कि एक बार राजा को दिखा के लाए तो संभव है कि राजा कोई बड़ा पुरस्कार देवे इसको देख करके, और मेरी जीवन की गाड़ी आजीविका जरा आसानी से चल सके। सो ऐसा सोच करके वे अपना वो ग्रंथ बांध करके नाव में बैठ के उस पार राजा के पास जाते थे, और अचानक उन्होंने देखा कि उसी पार राजा के पास तो रघुनाथ पंडित हमेशा रहते थे, रघुनाथ पंडित भी अपने बाजू में एक शास्त्र दबाए चले आ रहे हैं। नाव रोकी, उनको ही बिठा लिया, बड़े बचपन के दोस्त बहुत दिन के बाद मिले तो आपस में बात होने लगी, और निमाई पंडित से पूछा रघुनाथ ने कि कैसा है, तो उन्होंने कहा सब ठीक है, एक ग्रंथ लिखा है, सोचता हूं कि अब तुम मिल ही गए हो, तुम तो राजा के पास ही रहते हो, एक ग्रंथ लिखा है न्याय का, सो उसी को राजा को दिखाने जा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? रघुनाथ पंडित, आपने भी तो कुछ लिखा होगा, आप तो हमसे ज्यादा ज्ञानवान, अब क्या कहें रघुनाथ पंडित, उनने भी न्याय का ग्रंथ कल ही पूरा किया था और आज घर से बांध बूंद करके राजा के पास ले जा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि निमाई पंडित अपना ग्रंथ भी लेके जा रहे हैं, बड़े संकोच में पड़ गए रघुनाथ, कैसे कहें निमाई पंडित से कि हमने भी न्याय पे ग्रंथ लिखा है। पर निमाई पंडित मानने वाले कहां थे, ये बताने में देरी करने लगे तो हाथ से ले लिया, देखें तो हम क्या लिखा है, देखा तो न्याय का ग्रंथ था। अब तो निमाई पंडित उदास हो गए कि मैं कहां इनके जैसा लिख सकता हूं, सोचता था राजा इससे प्रसन्न होकर कुछ देगा, लेकिन अब रघुनाथ का ही ग्रंथ श्रेष्ठ है, उसी पर पुरस्कार मिलेगा, मुझे तो कुछ संभव ही नहीं है। और ऐसे उदास हो गए, रघुनाथ ने देख लिया, वे समझ रहे थे कि ये उदास हुए बिना नहीं रहेंगे, सो सामने रख लिया निमाई पंडित का ग्रंथ और अपना ग्रंथ भी उसी के बाजू में रख लिया। निमाई पंडित तो उदास होकर के अपना ग्रंथ और नदी में एक एक कागज बहाने के मूड में थे, सो एक एक कागज उठा के और धीरे धीरे नदी में छोड़ने लगे। वे इतने उदास और इतने उस काम में मगन थे कि वे देख नहीं पाए कि कब रघुनाथ पंडित ने अपना ग्रंथ उस स्थान पर रख दिया जिस स्थान पर निमाई पंडित का था, और निमाई पंडित का ग्रंथ बांध बूंद के एक तरफ रख लिया। जब निमाई पंडित पूरा का पूरा ग्रंथ नदी में बहा चुके और उनके आंसू भी बहते चले जा रहे हैं, तब तक उस पार पहुंच गए तो रघुनाथ पंडित ने उनको उनका ग्रंथ जब सौंपा तो बोले ये तो तुम्हारा है, बोले खोल के देखो, खोल के देखा तो दंग रह गए। निमाई पंडित का ग्रंथ, वो तो सोच रहे थे कि मैं पूरा पानी में बहा चुका, तो ये क्या हुआ, मैंने कौन सा ग्रंथ पानी में बहा दिया,
रघुनाथ बोलते क्यों नहीं कि तुमने अपना ग्रंथ मेरे ग्रंथ की जगह रख करके पानी में बहा दिया। तो रघुनाथ पंडित ने मालूम क्या कहा था कि निमाई, मैंने ज्ञान दूसरे को पीड़ा देने के लिए हासिल नहीं किया। अगर मेरे ग्रंथ की वजह से तुम्हारा ग्रंथ राजा के सामने पुरस्कृत नहीं होता तो मेरे ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं है। निमाई पंडित, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए मैं ऐसे सैकड़ों ग्रंथ लिख करके नदी में बहा सकता हूं, लेकिन किसी का मन नहीं दुखा सकता। बताइए, वास्तव में तो ज्ञान वही है जो कि जीवन में विनय लाता है, दूसरे के और अपने कल्याण में सहयोगी बनता है। भैया, आज अपन ये शिक्षा ग्रहण करें कि हमें ज्ञान तो हासिल करना है, लेकिन ऐसा आत्मज्ञान हासिल करना है जिससे अपना भी कल्याण हो और जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। विनय पूर्वक हम ऐसे ज्ञान को हासिल करें। आज अपन ये मान के चलें कि अपन ने शुरुआत की है, अब रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हासिल करेंगे, लेकिन इस कसौटी पर परखते चले जाएंगे कि इस ज्ञान के हासिल करने से मेरी कषायें कितनी मंद हुई, मैं दूसरे के प्रति कितना विनम्र हुआ हूं, मेरे अपने जीवन में कितना परिवर्तन आया है और मुझे अपने आत्म स्वरूप की वास्तविकता का बोध हुआ या नहीं हुआ। इन सब बातों का ध्यान रख के हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ही ज्ञान हासिल करेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।